भाई साहब, बॉलीवुड भी समय समय पर ऐसे डोज देकर जाता है जो कभी एक ऐसे डोज मिलते हैं जिनके बाद लोग सिर्फ उसकी आलोचना नहीं करते हैं, पूरा बॉलीवुड बॉयकॉट कर दो यहां तक बात पहुंच जाती है। लेकिन बाद में एक ऐसे चेंज लेकर आते हैं कि लोगों के दिल और जहन में ऐसा नाम चिपका के लेके जाते हैं कि इस मूवी का नाम ना कि सिर्फ दिलो दिमाग से भाई जुबान से भी नहीं उतरता है। मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत मूवी की, जो अभी राजकुमार राव की लेटेस्ट आई है। भाई साहब, सिचुएशनल प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, जो हर किसी की लाइफ में आता है, जिसके आगे अच्छे अच्छे कदरदान भाई ढेर हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन कई जिनकी कांड में दम होता है वो उन सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को ना कि सिर्फ ओवरटेक करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस का जो कीमती खजाना है लेकर आते हैं। भाई श्रीकांत, जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है, वो बंदा जिसके पास ऐसे बहुत से मौके थे, वो सिंपथी कार्ड खेल सकते थे, जिसे लोगों ने बहुत कोशिश भी करी मूवी में कि भाई तेरे पास देखने की शक्ति नहीं है, तू जाके कटोरा पकड़ के भीख भी मांग सकता है, क्योंकि सिंपथी के बेस पे तेरा जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, जहां पर तुझे बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा गीत गाना है और अपना एक लाचारी को पेश करना है। लेकिन श्रीकांत, जिसके पास देखने की शक्ति नहीं है, ऐसी बहुत सी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आई हैं और एक ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम तो उसके साथ है ही, जो उसके पास देखने की शक्ति नहीं है। भाई आप खुद इमेजिन करो, आपके पास देखने की शक्ति नहीं है और क्या आप अपने रूम से आंख बंद करके 10 कदम चल के या फिर अपने रूम से ही बाहर निकल सकते हो क्या? लेकिन उस बंदे के पास देखने की शक्ति ना होने के बाद भी अपनी लाइफ के अंधकार को मिटाने की कोशिश करी अपने हौसले से, अपने जज्बे से, अपने जुनून से, और वो सक्सेस लेके आए जो एक नॉर्मल ह्यूमन लाने की सोचता है, जिनमें से बहुत से 2-3% लोग उस सोच पर अमल होते हैं और सक्सेस लेकर आते हैं। लेकिन श्रीकांत के पास वो सारी चीज़ें ना होने के बाद भी एक नेगेटिव विंग को पॉजिटिव विंग में चेंज करके उस सक्सेस को अपने नाम किया है। भाई ये मूवी खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज पर चल रहे हैं, जिन्हें लाइफ में बाकी में कुछ करना है और बहुत बड़ा अचीव करना है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी भाई वो बंदा उनसे झुका नहीं, उन्हें हंसते हंसते उन्हें ना कि सिर्फ टैकल करा, उनको ओवरटेक करके गया है। एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ कोई नॉर्मल ह्यूमन, कोई बड़ी से बड़ी हस्ती नहीं जाना चाहती है इतने बड़े टॉपिक पर ये बंदा उसके खिलाफ ना कि सिर्फ खड़ा हुआ, उसे बीट डाउन करने की भी कोशिश करी और उस पर एक बार हद तक के लिए सफल भी हुआ। जीनियस माइंड है, अगर स्टोरी की बात करें तो भाई सब जीनियस माइंड दिखाया गया है, बहुत साफ माइंड दिखाया गया है, जिसमें कैलकुलेशन पावर अगर इसकी बात करें तो भाई कैलकुलेटर को भी फेल करने की ताकत रखता है, चेस चैंपियन है, बिजनेसमैन माइंड है और ना हारने वाला ना टूटने वाला जुनून जो इसके साथ चल रहा है वो इसकी सबसे बड़ी पावर है श्रीकांत की लाइफ की। तो भाई एक बायोपिक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि लेंथी कर दी है या खींच रहे हैं, लेकिन भाई बायोपिक ऐसी ही होती है, किसी की लाइफ सिंपली अगर आप देखो तो ऐसी ही होती है। लेकिन हाँ, अपना बॉलीवुड उसमें मसाला डालने की बिल्कुल भी कमी नहीं करता है, जो बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर्ड मसाला डालने की कोशिश भी करी है। खासकर ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशन भी देखने को मिला है, भाई बहुत मोमेंट ऐसे आए जो भर के इमोशनल करके जाएंगे आपको। स्टार्टिंग की अगर बात करूँ, मूवी जैसे ही स्टार्ट होगी, गड्ढा खोद के बच्चे को गाड़ने की बात चल रही होती है, जो खुद उसका बाप है यानी अपने बेटे को ही गाड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि उसके पास देखने की शक्ति नहीं है, समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद इवन घर वाले परिवार वाले उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक सीन बाद ही वही बाप जो उसको गाड़ने की कोशिश कर रहा था, वही बाप उसकी सक्सेस से अपनी छाती चौड़ी करके खुशियां मना रहा होता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे मोमेंट भी बहुत दमदार लगे भाई। और बात अगर एक्टिंग की करें तो राजकुमार राव का नाम ही काफी है, एक्टिंग का पार्ट कहीं से कहीं तक कम नहीं है। आप स्क्रीन पर राजकुमार राव को नहीं देखोगे, श्रीकांत को देखोगे, जो उसने लाइफ जी होगी वो हर एक चीज को, छोटे से छोटे मोमेंट को फील कराने के, टच कराने की कोशिश करी है अपनी एक्टिंग से। लाजवाब एक्टिंग है भाई, बाकी मूवी दमदार है, नहीं देखिए तो जाके जरूर देखना, एंड दैट्स माय रिव्यू। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्ट्रगलर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें खासकर इस मूवी को देखना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई उनको ही देखना चाहिए, सभी के लिए यह मूवी है, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, एंटरटेनमेंट के पर्पज से भी देखो, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भाई बहुत बहुत मेहनत लगती है। मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।